येलो टी शर्ट क्यों पहना है? आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, क्योंकि आज है चेन्नई का मैच वर्सेस आरसीबी का मैच। चेन्नई वर्सेस आरसीबी का मैच है और मैं हूँ चेन्नई का फैन, बहुत बड़ा फैन। सबका अलग अलग रीजन होगा फैन का। सबसे पहले एम एस धोनी सर को बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो एम एस धोनी, एक तो कैप्टन कूल के लिए नाम से जाना जाता है, कितने सारे ट्रॉफी दिलाए हमें। लेकिन मैं जो सबसे बड़ा जो फैन हूँ उसके पीछे जो रीज़न है, एक तो एम एस धोनी सर के हर बात को फॉलो करता हूँ, दूसरा एम एस धोनी सर भी झारखंड से, मैं भी हूँ झारखंड से, ठीक है। तो एक तो वो वाला थोड़ा सा फीलिंग्स आता है। दूसरा बात है कि भाई साहब सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है? एम एस धोनी सर ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो आज का मैच बहुत ही खतरनाक मैच रहने वाला है, दोनों टीम के लिए स्पेशल मैच है, सीएसके के लिए भी और आरसीबी के लिए। अब बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में। कल के मैच के बारे में बात करने से पहले, सबसे पहले आप सभी को याद होगा रोहित शर्मा के बारे में मैंने क्लियरली बताया था कि आज के मैच में चलेगा। आप देखे होंगे, मैक्सिमम लोग बोल रहा था रोहित शर्मा फ्लॉप होगा। उसके पीछे जो रीजन था, एक तो 7 मैचों से फ्लॉप था, ऊपर से रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है ना लखनऊ के अगेंस्ट में अच्छा नहीं था। लेफ्टार्म फास्ट बॉलर और लेफ्टार्म स्पिनर, उसके खिलाफ रोहित शर्मा फंस जाता है। कई बार मैंने क्लियरली बोला था रोहित शर्मा आज के मैच में 50 से प्लस रन बना के देने वाला है, चाहो तो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कप्तान जरूर बनाना। हाँ, रोहित शर्मा को मैं तब अपने टीम में नहीं रखूंगा जब वो अमित मिश्रा खेलेगा, क्योंकि अमित मिश्रा ने रोहित शर्मा को 7 बार आउट किया है। तो अमित मिश्रा नहीं खेला था, तो मैंने क्लियरली बोला था कि भाई आज मेरे टीम में रोहित शर्मा रहेगा, और मैंने आपको वीडियो वाले टीम में वाइस कप्तान भी बना के दिया था। अब यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट वाला स्लाइड है, मस्ट, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा। भाई साहब देख रहे हो कितने मैचों से रोहित शर्मा फ्लॉप है, सेंचुरी लगाया है उसके बाद रोहित शर्मा कंटिन्यू फ्लॉप है, यहां से लेकर यहां तक पूरे ग्राफ फ्लॉप है। सिर्फ एक सेंचुरी लगाया है, उसके बाद देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैचों से अभी तक 50 नहीं निकला है, और 7 मैच 50 छोड़ दो, सब यहाँ पे एक 36 रन का पारी खेला है, उसके बाद देखोगे ना तो भाई साहब 20 रन भी नहीं बना पाया है, 20 रन 6 मैचों से 20 रन भी नहीं बनाया है। तो आज भी रोहित शर्मा को पूरा दुनिया बोल रहा फ्लॉप, लेकिन मैं तो अपनी टीम में वाइस कप्तान या कैप्टन बनाने वाला हूँ। मुझे आज रोहित शर्मा पे पूरा बिलीव है, पूरा भरोसा है, सिचुएशन के आधार पे मुझे लग रहा है ये 50 का छोड़ दो सेंचुरी भी लगाते हुए दिखाई दे सकता है, और मैं तो आज अपनी ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन बना दिया हूँ। कम से कम 3-4 टीमों में मेरे कैप्टन होगा रोहित शर्मा, और आज हम ग्रैंड लीग जीतने वाले हैं। लोग इसको फ्लॉप बोल रहा है, लेकिन आज मेरे स्मॉल लीग टीम में भी रहेगा और ग्रैंड लीग टीम में भी रहेगा। इस वेन्यू पे 34 का एवरेज रिकॉर्ड है, आज इसके बल्ले से 50 तो निकलेगा, मैं लिख देता हूँ 50 आज इसके बल्ले से निकलते हुए दिखाई दे सकता है रोहित शर्मा, जो कि आज के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा। जितना हो सके उतना अपने टीम में लेके चलो। और टेलीग्राम पे भाई मैंने, मेरे टीम में रोहित शर्मा था, उसके बाद सबसे रिस्की प्लेयर मेरे टीम में था नमनदीर। भाई साहब मुझे ना, मेरे टीम में नमनदीर था, सिर्फ 13% सिलेक्शन था, और पता है नमनदीर ने कितना पॉइंट दिया? 90 पॉइंट। कल मुझे हार्दिक पांड्या का कैप्टनसी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो मैंने निकोलस पुरन के बारे में क्लियरली बोला था कि फर्स्ट इनिंग में निकोलस पुरन अच्छा बैटिंग करता है, सेकेंड इनिंग में फ्लॉप जाता है। लेकिन फिलहाल फिर भी मैंने अपनी टीम में नहीं रखा था, लेकिन फिर भी हमारा विनिंग हुआ, लगभग 60-65% हम लोग मैचेस जीते हैं। तो कल अगर देखोगे ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जितना लगाए थे उससे कुछ ज़्यादा ही आया था, और ऑलमोस्ट सब लोग विनिंग करा होगा। लेकिन आज का मैच उससे भी बढ़िया है, कल का मैच तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज का मैच बहुत ही बढ़िया है, सीएसके वर्सेस आरसीबी, जो कि मैं पहले भी बोल दिया था कि आज का मैच बहुत ही शानदार रहने वाला है। जय श्री राम, मैं TCBS KKR वाला मैच में का गिवे विनर हूँ, और मेरा गिवे मेरे तक पहुँच गया है कुमार भैया के द्वारा, तो ये आप भी बन सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है इसमें, पूरा वीडियो देखना होता है और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करना होता है और वीडियो को शेयर करना होता है, ठीक है, ये कीजिएगा, आप भी ज़रूर विनर बनिएगा, और मैं भी बन सकता हूँ और आप भी बनिएगा। थैंक यू सो मच कुमार भैया, जय हिंद, जय श्री राम। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कल के टीम में, मेरे टीम में थुसारा भी था। मैंने क्लियरली बोला था कि भाई थुसारा का सिलेक्शन बहुत कम है, नुआन थुसारा का, और मेरे टीम में कंफर्म रहेगा, 3 विकेट लिया। थुसारा की बात करते हैं, नुआन थुसारा की बात करते हैं, 2 मैच में 3 विकेट, 1 मैच में 1 विकेट, और हर मैच में विकेट ले रहा है, साथ में डेथ में बॉलिंग करेगा, 2 से प्लस विकेट लेके देगा, इंपॉर्टेंट होगा। पीयूष चावला मैंने क्लियरली बोला था कि लोग नहीं लेके आएगा, मेरी टीम में रहेगा, मेरी टीम में भी पीयूष चावला भी था, ठीक है। अब आपको बताता हूँ आज के मैच में जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर है वो है पीयूष चावला, 2 विकेट इसको मिलेगा आज के मैच में, और सेकंड इनिंग में तो पक्का 2 विकेट लेके देगा, जो कि रिस्की पिक स्मॉल लीग टीम में भी लेके चलो मैंने रखा है, और जीएल टीम में भी लेके जा सकता हूँ।
और मैक्सिमम 2 में ले सकते हो। केएल राहुल कैप्टन था, यानी केएल राहुल को कैप्टन बनाया था। तो भाई साहब कल बहुत अच्छा मैच था, बहुत अच्छा। बस हार्दिक पांड्या का मुझे कैप्टनसी समझ में नहीं आया। कल सिर्फ एक प्रेडिक्शन मेरा ख़राब गया, वो ये था कि MI जीतेगा। मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि MI जीतेगा, लेकिन MI नहीं जीत पाया। उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था हार्दिक पांड्या का कैप्टनसी, बस और कोई रीज़न नहीं था। क्योंकि निकोलस पुरन ने जो रन बनाया था ना, वो 70-75 रन, उस वो रन नहीं बना पाता, उतना रन नहीं बना पाता अगर एक कोई अच्छा बॉलर बॉलिंग करने आया था। और कल अगर बुमराह खेलता ना, जसप्रीत बुमराह, तो पक्का वो क्या बोलते हैं MI ही जीतता। तो बहुत सारा उलट फेर भी हो गया था, बहुत सारा प्लेयर चेंजेस भी हो गया था। आज के मैच में भी बहुत सारे प्लेयर नहीं खेलेगा, जैसे RCB की तरफ से विल जैग नहीं खेलेगा जो कि अभी कुछ पिछला मैच सेंचुरी लगाया था। उसके बाद बात कर लेते हैं चेन्नई की तरफ से मोइन अली नहीं खेलेगा, उसके जगह मिचेल सेंटनर खेल सकता जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आपको बता दूं RCB के जो बैट्समैन है ना, वो लैपटॉप स्पिनर के खिलाफ बहुत बार फंसते हुए दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं मिचेल सेंटनर अगर आज खेला तो आज के मैच में एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा। और RCB की तरफ से मैक्सवेल शायद खेलते हुए दिखाई दे सकता है। तो आज हम लोग जो टीम बनाएंगे ना, ग्रैंड लीग पर्पज़ से ये मैच बहुत ही अच्छा है, और स्मॉल लीग पर्पज़ से तब अच्छा है जब चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला ले, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बाय द वे अगर चेन्नई बैटिंग भी करेंगे ना, तो भी आपको बता दूंगा कि भाई साहब स्मॉल लीग टीम कैसा रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूं आप हमारे लाइव सेशन में भी जुड़ जाना। लाइव हम डेली आते हैं, और कल तो पक्का लाइव आएंगे, मतलब आज पक्का लाइव आएंगे 5:45 पे, आप लाइव में जुड़ जाना, ठीक है। बाकी फाइनल टीम हम टेलीग्राम पे देते हैं, फुल टीम टेलीग्राम पे देते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। अब टेलीग्राम से क्यों जुड़ना है, उसके पीछे जो रीजन है कारण बताता हूं। सबसे पहले जो कारण है वो है कि मैं यहां पे फुल टीम देता हूं, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं वही टीम देता हूं, और मेरा इन्वेस्टमेंट लाखों में होता है। एक तो वो रीजन है, दूसरा आपको मेरे टेलीग्राम पे सब कुछ मिलेगा, पिच रिपोर्ट मिलेगा ऑडियो के साथ, पिच का फोटो भी वहां पर प्रोवाइड करते हैं, प्लेइंग 11 प्रोवाइड करते हैं, इंपैक्ट प्ले में कौन खेलने आएगा वो भी बताते हैं, GL में किस प्लेयर को रखना है, आज के लो सिलेक्शन कौन सा प्लेयर चलेगा वो बताते हैं टेलीग्राम पे, और लास्ट में एक फाइनल टीम बना के आप लोगों को टेलीग्राम पे देते हैं। ग्रैंड लीग का भी देते हैं, स्मॉल लीग का भी टीम देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो बहुत लेट कर रहे हो। 4 लाख लोग टेलीग्राम पे जुड़ चुका है, 4 लाख सोच सकते हो, 4 लाख पब्लिक हो चुका है। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, वरना सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। क्या सर्च करना है आपको बताता हूँ। देखो मैं टीम देता हूँ यहाँ पे, और देख लो शुभमन गिल और साई सुदर्शन कैप्टन वाइस कप्तान था, याद है इस दिन में हमने ग्रैंड लीग जीता था, याद है। तो भाई साहब आपको बता दूं टेलीग्राम पे 4 लाख लोग हो चुका है, 4 लाख। आप लोग भी क्यों लेट कर रहे हो, जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ। एक तो स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप पे जाना, सर्च करना @kumar508 kumar508 tfce, ये सर्च करना, आपको 4 लाख का टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना। जब IPL स्टार्ट हुआ था तब कितना था, 1.5 लाख, अब कितना हो चुका है, 4 लाख। सोचो कितने लोग भाई हमारे टेलीग्राम को पसंद कर रहा है और वहाँ पे जीत रहा है। तो आप लोग क्यों देर कर रहे हो, फटाफट जाओ टेलीग्राम से जुड़ो। सबसे आसान तरीका है फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, वरना स्कैन भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, kumar508tfce सर्च करोगे 4 लाख का टेलीग्राम चैनल दिखा देगा, उसमें जाके ज्वाइन करना। दूसरा बात, आज के मैच में आपके लिए स्पेशल गिवे है। देखो MS धोनी सर के लिए मैंने स्पेशल गिवे रखा है, आज 25 लोग गिवे जीत सकता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि अगर चेन्नई मैच जीतता है तो 25 लोग विनर बनेगा, और 25 लोग को मिलेगा बोट का स्मार्ट वॉच, बोट का एयर ड्रॉप, ठीक है। लेकिन CSK ये मैच जीतेगा तभी 25 लोग विनर बनेगा। हाँ एक और है, अगर आज विराट कोहली मान लो मैच जीत जाता है, RCB अगर मैच जीतता है और विराट कोहली 50 लगाता है तो 18 लोग विनर बनेगा। समझ में आ रहा है बात, 25 लोग तब बनेगा जब चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीतेगा, और अगर RCB मैच जीतता है और विराट कोहली 50 लगाता है तो 18 लोग विनर बनेगा। और अगर बाय द वे आरसीबी जीत जाता है और विराट कोहली 50 नहीं लगाता है और चेन्नई सुपर किंग्स तब तो हार ही जाएगा, तब 10 लोग विनर होगा। समझ में आ रहा है,
क्योंकि देखो चेन्नई अगर नहीं जीतेगा तो भाई साहब मैं फिर 25 लोगों को विनर नहीं बना सकता हूँ। चेन्नई जीतेगा तो मैं उसकी खुशी में आपको बोर्ड का स्मार्ट वॉच, बोर्ड का एयरड्रॉप 25 लोगों को दे सकता हूँ, वरना 10 लोग तो खैर फिक्स है। 10 लोग कोई भी टीम जीते, कोई रन बनाए ना बनाए, 10 लोग तो फिक्स है। तो फटाफट कमेंट करो इस वीडियो में, कमेंट करो नीचे, जितना कमेंट हो सकता है उतना कमेंट करो और आप विनर बनो। क्या मिलेगा? बोट का स्मार्ट वॉच, बोट का एयर ड्रॉप। वही वॉच देता हूँ जो मैं खुद पहनता हूँ। देखो 4 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यही वॉच मैं आपको देता हूँ, ठीक है? एक कमेंट करने का आपको भाई साहब प्राइज मिल रहा है, तो क्यों देर कर रहे हो? फटाफट आप लोग कमेंट करो और जीतो। जय श्री राम। मैं TCBS KKR वाला मैच में का गिवे विनर हूँ और मेरा गिवे मेरे तक पहुँच गया है कुमार भैया के द्वारा। तो ये आप भी बन सकते हैं, कुछ नहीं करना होता है इसमें, पूरा वीडियो देखना होता है और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करना होता है और वीडियो को शेयर करना होता है, ठीक है? ये कीजिएगा, आप भी ज़रूर विनर बनिएगा और मैं भी बन सकता हूँ और आप भी बनिएगा। थैंक यू सो मच कुमार भैया। जय हिंद, जय श्री राम। देखो इतने भाई लोग, देख लो सब नए नए चेहरा दिख रहा है, सब लोगों ने भाई बोट का स्मार्ट वॉच और बोट का एयर ड्रॉप जीता है। तो सिर्फ आप जीतोगे नहीं, आपका पिक्चर भी यहाँ पे दिखाई देगा, मेरे वीडियो में आपका फोटो भी दिखाई देगा, जो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी दिखा सकते हो कि भाई साहब जाके देखो कुमार 508 के चैनल पे मेरा पिक्चर दिख रहा है, ठीक है? ऊपर से कल के वीडियो का विनर देख सकते हो, ये 10 लोग विनर बना है जिसमें ये 3 लोग स्मार्ट वॉच जीता है, ठीक है, और बाकी लोग एयर ड्रॉप जीता है। ये कौन है? मसरूफ कुछ करके बंदा है। कुमार भाई आपके द्वारा बताया गया प्रेडिक्शन एकदम सही होता है, काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोग का यूट्यूब चैनल देखा पर आपके जैसा नहीं है। उसके बाद देखो ये क्या है, आसमान में सितारे, भाई सारी मारा है। कौन कौन मेरी तरह गिवे जीतना चाहता है? अच्छा, इसने लिखा कौन कौन मेरी तरह गिवे जीतना चाहता है, 167 लाइक है और इसने लोगो भी लगाया है हमारा, ठीक है? आपका समझाने का तरीका अच्छा है, आसानी से सभी के समझ में आ जाता है, बिल्कुल आप लोग आता होगा समझ में। तो भाई साहब ये गिवे जीता है, तो बोट का स्मार्ट वॉच, बोट का एयर ड्रॉप ये लोग जीता है। अगर इसमें आपका कमेंट है प्लीज़ रिप्लाई कर देना। अगर आप रिप्लाई करते हो तो नंबर कैसे डालना आपको बताता हूँ। नंबर आपको डालना है, जैसे मान लो आपका स्टार्टिंग का नंबर 94 है तो आपको ऐसे लिखना है NINEFOUR, ऐसे लिखना है आपको। ऐसे बिल्कुल नंबर में मत लिखना वरना फिर वो रिकमेंड नहीं करेगा और आपका दिखेगा नहीं, ठीक है? तो रिप्लाई दे देना, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगा, आपको आपसे एड्रेस मांगेगा, आपके घर ये कोरियर पहुंच जाएगा, सबको जाएगा भाई, भले IPL ख़त्म हो जाए लेकिन सबके पास जाने वाला है ये कोरियर, ठीक है? ओके, लेकिन जो क्लेम करेगा उसी के पास, बहुत लोग क्लेम नहीं करते हैं तो भाई क्लेम जरूर करना, ओके? और जैसे कोरियर आपके पास पहुँचता है तो आप मुझे एक फ़ोटो देना। हाँ, एक और बात बताता हूँ कि भाई साहब कोरियर वाले को कुछ भी पैसे नहीं देना है, क्योंकि कोरियर चार्ज हमारी तरफ से होता है, प्रोडक्ट का भी जो चार्ज होता है वो मेरी तरफ से होता है, सब कुछ फ्री होता है, मेरे तरफ से सारा चार्ज होता है। तो आपको 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, ओके? 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, सिर्फ साइन करके आपको कोरियर वाले से लेना है। और हाँ, टीम भी फ्री रहता है, जो मैं टेलीग्राम पर टीम देता हूँ ना वो भी फ्री रहता है, तो उस आपको बताता हूँ, टेलीग्राम पर जो टीम देता हूँ वो भी फ्री, तो मेरे नाम पर कोई भी आपसे पैसे वैसे मांगे उसको भी मत देना, ठीक है? तो फटाफट जितना बंदे हो, जितने भाई लोग हो आप लोग, जितने बहन लोग हो आप लोग, सब लोग कमेंट करो नीचे और गिवे जीतो फटाफट, ठीक है? 25 लोग विनर बन सकता है आज अगर चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीतता है तो। बाकी वेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं, ये मैच कहाँ पे खेला जाएगा? बेंगलुरु। ये भी शॉर्ट बाउंड्री है, ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, शॉर्ट बाउंड्री है, यहाँ पे भी रन ठीक ठाक बनता है दबा के। जैसे आपको बता दूँ, अगर आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करा तो आपको बता दूँ, आरसीबी का वैसे विकेट बहुत कम गिरता है ये याद रखना। तो ये सर्कल है ऐसे और ऐसे, तो 70% आज के मैच में बैटिंग डिपार्टमेंट चलेगा, 70% बैटिंग डिपार्टमेंट, और जहां तक कि आज स्पिनर को भी हेल्प मिलेगा, 15% स्पिनर, 15% फास्ट बॉलर, ठीक है? फास्ट बॉलर, स्पिनर और बैटिंग डिपार्टमेंट। तो बैटिंग डिपार्टमेंट 70% वर्क करेगा, 15% स्पिनर और 15% फास्ट बॉलर चलेगा यहाँ पे। बैटिंग डिपार्टमेंट में जैसे आज विराट कोहली, फैब, आज के मैच में रजत पाटीदार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि विल जैक नहीं है तो वन डाउन बैटिंग करने आएगा रजत पाटीदार। उधर से बात कर लेते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़, आज रचिन रविंद्र इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो बैटिंग डिपार्टमेंट चलेगा। बॉलिंग में जैसे तुषार देशपांडे, ठीक है, विजय कुमार व्यस्क अगर खेले तो वो भी विकेट लेके देगा, तो कहीं ना कहीं लॉकी फर्गुसन अगर मान लो पहले बॉलिंग करेगा तो लॉकी फर्गुसन भी विकेट लेके देगा। तो कहीं ना कहीं बैटिंग पिच है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोस्टली अगर देखोगे जो बेंगलुरु का जो पिच है ना वो बैटिंग पिच ही माना जाता है, ठीक है?
और शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्री है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। बाकी मैं 5:45 पे लाइव आऊंगा इसी चैनल पे, तो आप हमारे लाइव में जुड़ जाना। और 6:50 पे ऑफिशियल जो पिच रिपोर्ट है, ऑफिशियल जो पिच रिपोर्ट जो आएगा टॉस से पहले, वो आपको हिंदी से बकायदा पढ़ के समझा दूंगा लाइव सेशन में, ठीक है। और या तो टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, वहाँ पे जाके फटाफट हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। फर्स्ट कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे भी आपको बकायदा हिंदी से पिच रिपोर्ट समझाते हैं, ऑडियो के साथ पिच का फोटो प्रोवाइड करते हैं और फाइनल स्मॉल लीग टीम भी देते हैं, ठीक है। तो फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मैचेस हुआ है, 161 मैच हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट बैटिंग करने के मुताबिक सेकंड बैटिंग करने वाला यहाँ पे 87 टाइम जीता है। यहाँ पे हैदराबाद ने सबसे ज़्यादा रन बनाया था, 287। यहाँ का एवरेज जो रन है 170 एवरेज रन है, ठीक है। अगर फिर भी पिच रिपोर्ट समझ में नहीं आया तो ये 4 मैच का रिकॉर्ड है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज के मैच में क्या होगा। 12 मई 2024 को अभी मैच खेला गया था रिसेंटली आसिफ वर्सेस दिल्ली के साथ, जिसमें आसिफ ने बनाए थे 187 रन, 9 विकेट गिरा था, दिल्ली का 10 विकेट गिरा था। भाई साहब यहाँ विकेट गिरा है दमादम, 19 विकेट गिरा है, ये याद रखना, 19 विकेट गिरा है। जिसमें कि मैच कौन जीता था, आसिफ 47 रन से जीता था। फास्ट बॉलर ने कितना विकेट लिया था, 13 विकेट। स्पिनर को कितना मिला था, सिर्फ 2 विकेट, ठीक है, बाकी रन आउट हुआ था। गुजरात वर्सेस आसिफी का मैच हुआ था, यहाँ पे भी देखो आसिफी ये मैच जीता था, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिला है, स्पिनर को 3 विकेट। ये मैच आसिफी जीता था, जहाँ पे 147 रन का पारी खेला था गुजरात और आसिफी 152 रन बनाया था। 15 अप्रैल 2024 को हैदराबाद का मैच हुआ था, यहाँ पे भाई बहुत बड़ा रन बना था, 287, जो कि आज तक का सबसे बड़ा टोटल है, आज तक का सबसे बड़ा रन है, ठीक है, अभी तक इससे बड़ा रन नहीं बनाया है। और इस बार आसिफी ने और हैदराबाद ने ही सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसमें आसिफी की तरफ से 262 रन का पारी खेला गया था, 7 विकेट गिरा था। फास्ट बॉलर ने यहाँ पे देखोगे 7 विकेट लिया है, स्पिनर को मिला है सिर्फ 2 विकेट, यहाँ पे विकेट बहुत कम गिरा था, अगर देखोगे 7 और 3, 10 विकेट गिरा है, यहाँ पे रन दबा के बना था। उसके बाद लखनऊ सुपर जेंट्स 181 रन का पारी खेला था, 5 विकेट, और आसिफी देखोगे तो भाई साहब आसिफी को ऑल आउट कर दिया था, जिसमें कि 10 विकेट फास्ट बॉलर को मिला था, स्पिनर को 3 विकेट मिला था। ओवरऑल देखोगे यहाँ पे 15 विकेट और यहाँ पे देखोगे तो भाई साहब 16 विकेट। तो अगर आप देख रहे हो ना, विकेट तो गिर रहा है अभी फिलहाल ना, सिर्फ इस मैच में सिर्फ 10 विकेट गिरा है, वरना 19 विकेट, 16 विकेट, 15 विकेट, आप एवरेज विकेट मान लो 15, तो टोटल 20 विकेट होता है, दोनों टीम की तरफ से 10-10 विकेट मिलता है, 15 विकेट एवरेज मान लो, 5 विकेट बचता है। तो कहीं ना कहीं आज बॉलर भी इंपॉर्टेंट होगा, बैटिंग डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब आज बैलेंस पिच समझ लो, बैलेंस पिच है, सबके लिए कुछ ना कुछ है, स्पिनर, फास्ट बॉलर और बैट्समैन, सबके लिए कुछ ना कुछ है, बैलेंस पिच है। लेकिन जहां तक कि बैटिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा परफॉर्मेंस करके देगा, उसके बाद फास्ट बॉलर, फिर स्पिनर, ओके। अब यहां पे अगर देखोगे तो फास्ट बॉलर को 41 विकेट मिला है और स्पिनर को 10 विकेट, 10 विकेट स्पिनर और 41 विकेट पेसर्स ने लिया है। जब फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग के मुताबिक देखोगे तो सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरता है, ठीक है। हेड टू हेड मैच की बात करते हैं तो आसिफी वर्सेस चेन्नई का अभी रिसेंटली मैच खेला गया था, जिसमें कि भाई साहब चेन्नई ने यह मैच जीता था। और वो अगर देखोगे रचिन रविंद्र 35 रन का पारी खेला था, अजिंक्य रहाणे 27, मिचल 22 और शिवम दुबे 34 और 25 रन बनाया था रविंद्र जडेजा ने। विकेट की बात करते हैं, मुशफिल रहमान ने 4 विकेट लिया था। ये मैच था भाई साहब पहला मैच आईपीएल का, फर्स्ट मैच था आसिफी वर्सेस चेन्नई, जिसमें कि मुशफिल रहमान को किसी ने अपनी टीम में नहीं रखा था और मेरे टीम में था, याद है, क्योंकि ये कटर बॉलर था। मैंने क्लियरली बोला था कि कटर बॉलर यहाँ पे विकेट लेके देगा और 15% सिलेक्शन था। उस दिन हम लोग वन साइडेड जीते थे मैच, वन साइडेड। तो आज भी आसिफी वर्सेस चेन्नई का मैच है, सोच सकते हो, लेकिन आज मुशफिल रहमान नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इधर से विराट कोहली 21 रन, 5 2+6 35 रन, अनुज रावत जो कि पहले खेलता था अभी फिलहाल नहीं खेल रहा है 45 रन, दिनेश कार्तिक 38 रन और कैमरन गिरन ने 2 विकेट लिए थे, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी था, ये मैच चेन्नई में खेला गया था 12 मई 2024 को, पहला मैच। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर देखते हैं हम लोग पॉइंट टेबल 22 मार्च को, ठीक है। अब पॉइंट टेबल की बात करते हैं तो भाई चेन्नई और आरसीबी 4 नंबर और 7 नंबर की लड़ाई है। आपको एक बात बताता हूँ, आज आरसीबी को अगर जीतना होगा ना, ये नहीं कि आसिफी जीत जाएगा तो क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसा नहीं है। आसिफी को अगर जीतना होगा ना तो कहीं ना कहीं 18 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को हराना पड़ेगा, या तो 18 रन प्लस रहते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को हराना पड़ेगा,
ठीक है, या तो ऑल आउट करना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तभी आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगा, वरना आरसीबी जीतने से क्वालिफाई नहीं करेगा, जीतने से क्वालिफाई नहीं करेगा। आरसीबी को भाई साहब बहुत दम लगाना पड़ेगा, सामने वाले टीम को भाई साहब 20-25 रन से हराना पड़ेगा, 20-25 रन से हराना पड़ेगा, या तो 18 ओवर से पहले मैच को जीतना पड़ेगा। तो बहुत कुछ भाई साहब होने वाला है आज के मैच में, प्रेशर बहुत ज़्यादा है आरसीबी के पास। चेन्नई के पास भी प्रेशर है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं है जितना आरसीबी के पास प्रेशर है। इस साला कप नामदू कब होगा पता नहीं। विमेंस मैच में तो भाई साहब आ गया है आरसीबी, विमेंस अभी पिछले मैच पिछले कुछ ही महीने पहले कप जीता है, लेकिन आरसीबी का अगर देखोगे मेंस मैचेस में विराट कोहली के कैप्टेंसी और फैफ डू प्लेसिस के कैप्टेंसी, बाकी किसी का भी कैप्टेंसी में अभी तक कप नहीं आया है। तो देखते हैं इस साल कप नामदू होगा या नहीं होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन मैं तो सपोर्ट चेन्नई को ही करूँगा भैया, कप आए या ना आए। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि थाला जो है एमएस धोनी सर इस बार भाई ट्रॉफी उठाए फिर से, ठीक है। और अगर फाइनल पहुँच जाएगा तो मैं फाइनल तो खैर देखने जा ही रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं आज का मैच कौन जीतेगा। टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज का मैच, टॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी टीम जीतेगा। इसलिए मैं 50-50% बोल रहा हूँ कि दोनों का चांस 50-50% है, जहाँ तक कि ज़्यादा जो चांस है वो है CSK 51% CSK का चांस है और RCB का 49% चांस है, लेकिन टॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टॉस के टाइम हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाना, लाइव हम आते हैं इसी चैनल पे, तो उस टाइम में जुड़ जाना। बाकी टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। बाकी चेन्नई सेकेंड पोजिशन पर भी जा सकता है, कैसे जाएगा आपको बताता हूँ। अगर आज का मैच चेन्नई सुपर किंग्स जीतता है, ठीक है, और हैदराबाद अगर मैच हार जाता है, हैदराबाद का जो मैच है वो हार जाता है, और RR अगर हार जाता है, तो कहीं ना कहीं चेन्नई पहुंच जाएगा दो नंबर पे, और दो नंबर पे पहुंचने का एडवांटेज आप सभी को पता है कि ये दोनों की फिर मैच होगा, एक नंबर और दो नंबर का मैच होगा, जो जीतेगा सीधा फाइनल में अपना जगह बना लेगा, और जो हारेगा वो जो चार नंबर और तीन नंबर में जो जीतेगा उसके साथ मैच होगा, फिर वहाँ पर जीतना पड़ेगा, तो लगातार जीतना पड़ेगा। तो इसलिए एक और दो नंबर थोड़ा सा सेफ होता है, और मोस्टली जो भाई ट्रॉफी लेके आते हैं ना, एक और दो नंबर पे जो आते हैं पोजीशन पे वही लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं दो नंबर की लड़ाई अभी फिलहाल है। तो हैदराबाद और RR दोनों को मैच हारना पड़ेगा, अगर हारेगा तभी CSK ऊपर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलिए आगे हम लोग चलते हैं माई 11 सर्कल ऐप, सुना होगा हर दिन नया हर दिन बड़ा, यहाँ पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ है फर्स्ट प्राइज, ठीक है। अगर आप मेरे रेफर से डाउनलोड करोगे 1500 का बोनस मिलेगा, फ्री मिलेगा 1500 का बोनस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। साथ में देखो यहाँ पे 5 टीम लगा सकते हो 1-1 रुपया में। देखो अगर आप यहाँ पे ग्रैंड लीग खेलोगे ना तो 49 रुपये लगता है, एक टीम लगाने में 49 रुपये लगता है। अगर 5 टीम लगाओगे अगर अपने पैसे से तो आपको लगेगा 250 रुपया, 250 रुपया। लेकिन अगर आप मेरे रेफरल से यूज करोगे, अगर पहली बार डाउनलोड करोगे पहली बार, तो भाई साहब आपको 1 रुपया मतलब 5 रुपया में आप 5 रुपये में 5 क्विंटल्स लगा सकते हो। मतलब जहाँ 250 रुपया लगना है वहाँ सिर्फ 5 रुपया लग रहा है, अब सोचो कितना फ़ायदा है। ऊपर से डिपॉजिट ऑफर भी है 200 पे 240, 500 पे 600, 1000 पे 1200, ये रियल आपको डिपॉजिट ऑफर मिलेगा, रियल कैश मिलेगा, इसको आप खेल के विड्रॉ मार सकते हो। तो भाई साहब बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, आप टीवी पे ऐड भी देखते होंगे इसका, हर दिन नया हर दिन बड़ा। तो माई 11 सर्कल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, डाउनलोड करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। प्लेइंग 11 में क्या कोई चेंजेस होगा? बिल्कुल होगा, आज तो प्लेइंग 11 में बहुत सारा बदलाव है, बहुत सारा बदलाव है। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ तो ओपनिंग करेगा, टीम का कैप्टन है रचिन रविंद्र के साथ, ठीक है। उसके बाद अजिंक्य रहाणे है, डेरी मिचल, शिवम दुबे है और रविंद्र जडेजा है। यहाँ पे देखोगे तो MS धोनी सर है, थिकसाना है, सरदुल ठाकुर, तुषार देशपांडे और समरजीत सिंह। देखो यहाँ पे मैंने थिकसाना को रखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मिचेल सेंटनर खेलते हुए दिखाई दे। रीजन मैं बताता हूँ, मिचेल सेंटनर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थिकसाना का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पिछला मैच का प्लेइंग 11 मैं देखते हुए रखा हूँ, मोइन अली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। थिकसाना आपको मैंने पिछले मैच में बोला था ना, थिकसाना बहुत पनौती है, और रियान पराग का कैच ड्रॉप किया था थिकसाना ने, अगर उस दिन रियान पराग का कैच ड्रॉप नहीं होता तो आपका क्या, सब लोग ग्रैंड लीग भी जीतता और स्मॉल लीग भी जीतता। रविंद्र जडेजा के बॉल पे देखोगे ना कैच ड्रॉप कर दिया था, इजी कैच ड्रॉप कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे ना तो आज मिचेल सेंटनर शायद खेल सकता है, ज़्यादा चांस खेलेगा तो ये 4 ओवर बॉलिंग करेगा, और मिचेल सेंटनर के खिलाफ देखोगे ना आरसीबी बहुत बुरी तरीके से फंसता है। उसके बाद 4 ओवर समरजीत सिंह, 4 ओवर तुषार देशपांडे, सरदुल ठाकुर 4 ओवर, ठीक है, रविंद्र जडेजा 4 ओवर, ये तो फिक्स है।
उसके बाद अगर सेंटनर खेला तो ये करेगा, वरना थिक्साना करेगा। ठीक है, इधर से बात कर लेते हैं, फैफ डू प्लेसिस विराट कोहली दोनों ओपनिंग करेगा, रजत पाटीदार वन डाउन आएगा, रीजन क्योंकि विल जैक होता तो पहले विल जैक था, विल जैक नहीं है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल है, महिपाल लैम्ब्रो, कैमरॉन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, करण शर्मा, लॉकी फर्गूसन और सिराज और यश दयाल। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा चेंजेस अब इसमें नहीं होगा, बस यही प्लेइंग 11 होगा जहाँ पे मैक्सवेल आज खेलते हुए दिखाई देगा और ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा। आज डुप्टी नहीं बोलते हैं नैया को, पार अगर लगाएगा तो मैक्सवेल लगाएगा, वरना चांस नहीं है। तो अगर आज मैक्सवेल लगाएगा तो लगाएगा पार, वरना इसलिए मैं बोलता हूँ आज जीएल टीम में मैक्सवेल को कैप्टन जरूर बना के जाना। ठीक है, यश दयाल मुझे लग रहा है कि आज के मैच में, क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, सामने में देखो ऋतुराज गायकवाड़ है, अजिंक्या रहाणे है, डेरी मिचल है, शिवम दुबे है, तो यश दयाल हो सकता है कि आज के मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है। रीजन क्योंकि सामने वाले में देखोगे ना बहुत सारा राइटी है और यश दयाल का भी रिकॉर्ड है, देखोगे हर मैच में विकेट लेके जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ तक की बात कर लेते हैं और कौन इंपॉर्टेंट होगा, यश दयाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, बाकी लॉकी फर्गूसन, करण, मोहम्मद सिराज में से भी मुझे लग रहा है कि सेकेंड इनिंग में ये भी इंपॉर्टेंट होगा। चार ओवर मैंने आपको बता दिया, ये लोग चार ओवर करेगा और कैमरॉन ग्रीन या मैक्सवेल जिसका देखते हैं ओवर कट होगा वो लोग करेगा। अब बात कर रहे थे हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर के बारे में। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ क्या चलेगा? पिछले मैच में 42 रन का पारी खेला था, नॉट आउट पारी खेला था। प्रेशर तो भाई साहब बहुत हाई प्रेशर होगा, ये तो आपको भी पता होगा, ऋतुराज गायकवाड़ पे पूरा हाई प्रेशर होगा। इस वेन्यू पे खेला है, सिर्फ 3 रन ही बनाया था और आरसीबी के केस में 33 का एवरेज रिकॉर्ड है ऋतुराज गायकवाड़। फिलहाल तो मैंने अपनी टीम में वाइस कप्तान रखा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों का वाइस कप्तान है, उसको देखते हुए मैंने अपनी टीम में वाइस कप्तान बना दिया हूँ। लेकिन आपको बता दूँ आज ऋतुराज गायकवाड़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फर्स्ट इनिंग में अच्छा बैटिंग करेगा, 40 के आसपास अब मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट देने वाला है। ठीक है, सेकंड इनिंग में अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक एवरेज पॉइंट देके जाएगा। कैप्टन वाइस कप्तान के लायक मुझे नहीं लग रहा है जहां तक मैं बोल रहा हूं, भले लोग बना रहा है लेकिन मैं अभी फिलहाल बना दिया हूं, लेकिन मैं शायद वाइस कप्तान कैप्टन ना बनाऊं। 41 का एवरेज रिकॉर्ड है, देख लेना। रचिन रविंद्र आज के मैच में तोड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ, ये आज के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर है और कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को अगर आज कोई जिताएगा तो उनमें सबसे बड़ा हाथ होगा रचिन रविंद्र, और आरसीबी को अगर जिताएगा तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होगा मैक्सवेल, देख लेना। रचिन रविंद्र आज मेरे जीएल टीम का कैप्टन होगा, कम से कम 5 टीमों में कैप्टन बनाऊंगा। आज के इसके बल्ले से 50 निकलते हुए दिखाई देगा रचिन रविंद्र के बल्ले से, ठीक है, आज इसके बल्ले से 50 निकलते हुए दिखाई देगा। और रिकॉर्ड की बात करते हैं, इस वेन्यू पे 32 का एवरेज रिकॉर्ड है, आरसीबी के केस में 37 का एवरेज रिकॉर्ड, और अभी वर्ल्ड कप होने वाला है ना, अभी वर्ल्ड कप होगा उसमें देख लेना रचिन रविंद्र क्या खतरनाक परफॉर्मेंस करके देगा। ये बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा और पूरा दुनिया इसके पीछे पागल रहेगा, पूरा दुनिया इसको कैप्टन बनाएगा, देख लेना, ऐसे प्लेयर है। लेकिन अभी फिलहाल आईपीएल में नहीं चल रहा था, लेकिन आज के मैच में ये चलेगा, 50 से प्लस रन बनाते हुए दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट होगा। मैं तो बोलता हूँ कि 4 मेंबर स्मॉल लीग टीम में वाइस कप्तान कैप्टन भी बना सकते हो। डेरी मिचल की बात करते हैं, 22 रन बनाया था पिछले मैच में, उसके पहले 63 और 30, इस पे थोड़ा सा मुझे खतरा लग रहा है आज डेरी मिचल पे, बट फिलहाल सेफ चॉइस है। बैटिंग डिपार्टमेंट अगर चलेगा तो रख लेना, अगर बैटिंग डिपार्टमेंट ना चले, जैसे आपको लगे पिच रिपोर्ट में बैटिंग पिच नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में रख लेना, सेकंड बैटिंग पे अगर रिस्क लेना हो तो ले सकते हो। मुझे लग रहा है फर्स्ट बैटिंग में ये 40 के आसपास पॉइंट देखे जाएगा, सेकंड बैटिंग में मुझे लग रहा है कि ये 20 से लेके 30 के बीच में ये इतना ही पॉइंट देखे जाएगा। ठीक है, मोइन अली की बात करते हैं, मोइन अली कहाँ से आ गया भाई, ये तो खेल ही नहीं रहा है मोइन अली, यहाँ हटा देता हूँ उसको, ठीक है, वो 39 का एवरेज रिकॉर्ड है। शिवम दुबे की बात कर लेते हैं, शिवम दुबे अगर देखोगे ना, शिवम दुबे 30 का एवरेज रिकॉर्ड है, आरसीबी के 56 का एवरेज रिकॉर्ड है, 3-4 मैचों से चल नहीं रहा है अभी शिवम दुबे, ठीक है, आज के मैच में चलेगा। और जहां तक अगर सेफ वाइस कप्तान बनाना चाहते हो शिवम दुबे को बना सकते हो, क्योंकि अगर देखोगे आरसीबी को कोई टीम जिता रहा ना, कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो रोल है, एक तो गायकवाड़ अच्छा खेल रहा है, एक तो शिवम दुबे अच्छा खेल रहा है, और अभी फिलहाल बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा कर रहा है, तो शिवम दुबे आज के मैच में बढ़िया रहेगा, 50 से प्लस पॉइंट देते हुए दिखाई देगा। और इसको तो बिल्कुल ड्रॉप मत करना, सबके टीम में होगा, और आज चाहो तो ग्रैंड लीग टीम में इसको सीबीसी भी बना के चलना, आज रचिन रविंद्र और शिवम दुबे ये दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलना। जडेजा की बात करते हैं, ये भी आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ा मैच होता ना, जब भी कोई बड़ा मैच होता उस मैच में आप देखना रविंद्र जडेजा हमेशा परफॉर्मेंस करके देता है, हमेशा जब दो बड़ी टीम होती है ना उस टीम में रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट होता है। जहां तक कि सेफ कैप्टन भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो,
क्योंकि लेफ्टर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, सामने में देखोगे राइटी है, कहीं ना कहीं उस जडेजा के खिलाफ फंसते हुए दिखाई देगा। पूरे बॉलिंग करेगा, आरसीबी के 32 मैच में 26 विकेट लिया है, 21 का एवरेज रिकॉर्ड है, इस वेन्यू पे 13 मैच में 9 का एवरेज रिकॉर्ड है, 9 विकेट लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जडेजा मेरे स्मॉल लीग टीम में रहेगा, सीबीएसई फिलहाल नहीं बना रहा हूं, लेकिन टीम में रहेगा। एमएस धोनी सर की बात करते हैं, पिछले मैच में बैटिंग नहीं आ पाया था, लेकिन आज के मैच में बैटिंग आएगा और ये भाई साहब मुझे ग्रैंड लीग जिताया है। अभी गुजरात वर्सेस चेन्नई का जो मैच था उसमें मैंने जो ग्रैंड लीग जीता था ना, 12 लाख जो मेरा आया था, 12 लाख आया था, उसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में कौन था? एम एस धोनी सर ही था। तो भाई साहब मुझे छक्का मार के जिताया, इस बार मुझे 12 लाख जिताया तो मैं भूल तो सकता नहीं हूँ। तो अगर बात कर लेते हैं 58 का एवरेज रिकॉर्ड इस वेन्यू पे, और मुझे लग रहा है कि आज के मैच में जो भी ग्रैंड लीग जीतेगा, जो मेगा कॉन्टेस्ट जीतेगा, उसके टीम में एम एस धोनी सर होगा। आज मुझे लग रहा है कि 30 से प्लस पॉइंट देने वाला है, ठीक है, साथ में विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देके जाएगा। बाकी थिक्साना की बात करते हैं, और अगर ना खेले तब तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एम एस धोनी सर का भी इंटरव्यू था कि मेरा आखिरी मैच होगा चेन्नई में। तो भाई साहब अगर बाय द वे ना खेले तब तो भाई सबका दिल टूट जाएगा। अब बात कर लेते हैं थिक्साना, बहुत ही पनौती बॉलर है, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, आरसीबी के केस में इसका रिकॉर्ड अच्छा है, 4 मैच में 8 विकेट। तो मुझे लग रहा है कि अगर मिचेल सेंटनर ना खेले तो ये खेलेगा, अगर ये खेलेगा तो फिर मिचेल ये खेलेगा तो मिचेल सेंटनर नहीं खेलेगा, मिचेल सेंटनर खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा। बाकी भाई साहब आरसीबी के केस में ये अच्छा बॉलिंग किया करेगा, पिछले मैच में इसने कैच भी ड्रॉप किया था, रियान पराग का कैच ड्रॉप किया था, तो कहीं ना कहीं उसका आज भरपाई इसको भुगतना पड़ेगा। आज भाई साहब अच्छा कर दे, भाई आज अच्छा कर दो, मैं आपको जीएल में रखूंगा, आज मैं इसको जीएल में रखूंगा, ठीक है। मुझे आज फीलिंग्स आ रहा है कि थिक्साना आज बढ़िया करते हुए दिखाई देगा, जीएल टीम में लेके चलूंगा। वैसे मैं इससे खफा रहता हूं हमेशा, क्योंकि मुझे पता है ये कभी परफॉर्मेंस करके नहीं देगा, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों फीलिंग्स आ रहा है कि थिक्साना 2 विकेट तो लेगा, ठीक है। तो देख लेना, जीएल में रखना चाहते हो, मैं तो रखूंगा जीएल टीम में थिक्साना को, ठीक है। बाकी बात करते हैं सरदू ठाकुर बैटिंग बॉलिंग आज दोनों से पॉइंट देते हुए दिखाई देगा, ये बैटिंग से भी पॉइंट देके जाएगा और बॉलिंग से भी पॉइंट देके जाएगा, क्योंकि बैटिंग का भी बैकअप देके जाता है, 10 मैच में 12 विकेट, 3 मैच में 5 विकेट, और आज अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग किया तो 2 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, ठीक है। तुषार देशपांडे की बात करते हैं, ये डेथ में बॉलिंग करता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस वेन्यू पे 1 मैच में 3 विकेट लिया है और 2 मैच में 3 विकेट, 2 विकेट तो खैर इसके खाते में लिखो, मेरी टीम में भी है, ठीक है। समरजीत सिंह की बात करते हैं, पिछले मैच में अच्छा बॉलिंग किया था लेकिन आज के मैच में अच्छा बॉलिंग नहीं करेगा, रीजन बताऊं, क्योंकि आज विराट कोहली और फैब इसको पिटने वाला है, पिटाई होगी बहुत खतरनाक। तो भाई ओपोनेंट तो इसको लेके आ रहा है और बॉलिंग भी अच्छा किया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि समरजीत अगर विकेट लिया तो मुश्किल से 1 विकेट लेगा, तो मुझे कहीं ना कहीं यह फ्लॉप दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी टीम में रखना चाहते हो रख लो। प्रशांत सोलंकी है, निशांत सिंधु है और शेख राशिद है, जिनका रिकॉर्ड की बात करते हैं, एवरेज रिकॉर्ड अगर देखोगे डोमेस्टिक लेवल में 1-1 विकेट, निशांत सिंधु की बात करते हैं 131 रन का भी पारी खेला डोमेस्टिक लेवल में, शेख राशिद की बात करते हैं 31 रन बनाया है, अजय मंडल की बात करते हैं 51-63 ऐसे रन है, उसके बाद राजवर्धन की बात करते हैं 1-1 विकेट लिया डोमेस्टिक लेवल में, अवनीश की बात करते हैं डोमेस्टिक मैच में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया, समीर रिजवी को कई मैच में मौका मिला लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, जब चेन्नई की टीम में नहीं कर पाएगा तो भाई सब कैसे करेगा। डोमेस्टिक लेवल में वैसे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता था, इसको महंगा, वैसे इस प्लेयर को बहुत महंगा खरीदा है, यहाँ पे देखो 13 रन, 43 रन, 61 रन डोमेस्टिक मैच में बहुत बढ़िया किया है। मुकेश चौधरी की बात करते हैं, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट लिया है, लेफ्ट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है। रिचार्ड गिल्सन अगर खेलता है तो इसका रिकॉर्ड राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, 1-1, 2-2 विकेट लिया है। मिचेल सेंटनर, हाँ अगर आज के मैच में मिचेल सेंटनर खेलता है, क्योंकि यह है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, ठीक है, और आपको बता दूं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के खिलाफ आरसीबी के बैट्समैन फंसता, तो कहीं ना कहीं ये 1 मैच में 1 विकेट लिया है हेड टू हेड में, 3 मैच में 3 विकेट, तो अगर खेलता है तो फिर थिक्साना निकलेगा, लेकिन थिक्साना का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आरसीबी के अगेंस्ट में। अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं, अगर रहाणे बैटिंग करेगा तो ओपनिंग करेगा, 53 का एवरेज रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आज अजिंक्य रहाणे अगर बैटिंग फर्स्ट करे तो सीधे सीधे ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा और ये आपको 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, जहाँ तक कि चांस है कि खेल सकता है, 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, हेड फोर स्मॉल लीग टीम और जीएल टीम के मैक्सिमम टीमों में लेके चलना, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बात कर लेते हैं, हम लोग आरसीबी के प्लेयर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले फैब के बारे में बात करते हैं, क्या फैब आज बल्ले से पॉइंट देके जाएगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल चलेगा आज फैब आज आपको 50 भी लगाते हुए दिखाई दे सकता है, इंपॉर्टेंट होगा फैब डुप्लेसिस, 47 का एवरेज रिकॉर्ड है, जहां तक मुझे लगा कि विराट से अच्छा बैटिंग आज आपको फैब डुप्लेसिस करते हुए दिखाई देगा,
ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, 36 का एवरेज रिकॉर्ड है, 55 देखोगे लास्ट सीजन 55 का एवरेज गया था, तो 50 प्लस बनाते हुए दिखाई दे सकता है फैफ डू प्लेसिस। क्यों बनाएगा उसके पीछे रीजन बताता हूँ। फैफ देखोगे ना इस वेन्यू पे काफ़ी खतरनाक एक्सपीरियंस है, और बैटिंग पिच पे भाई साहब अच्छा बैटिंग करता है, भले पिछले मैच में नहीं चल पाया था लेकिन आज के मैच में ये तोड़ेगा। विराट कोहली की बात करते हैं, 27 रन, उसके पहले 92 रन, लेकिन जब 92 रन बनाया था तब 3 बार जीवनदान मिला था, ये याद रखना। यहाँ पे 27 रन, इस वेन्यू पे 41 का एवरेज रिकॉर्ड है, तो आज के मैच में विराट कोहली के भी बल्ले से मुझे लग रहा है कि 50 निकलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। रजत पाटीदार की बात करते हैं, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे तो इंपॉर्टेंट होगा, वैसे भी ये अच्छा बैटिंग कर रहा है, दो मैचों से 55-52 50-50 लगाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, चेन्नई के अगेंस्ट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगा तो शायद मैं रख लूँ, सेकंड इनिंग में मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है रजत पाटीदार मुझे खतरा लग रहा है, ये पॉइंट तो देगा, ऐसा नहीं कि पॉइंट नहीं देगा, लेकिन एवरेज पॉइंट देके जाएगा, एवरेज, ठीक है। तो सामने वाले जो बॉलर है ना, जैसे कि आप देख लो जडेजा है, तुषार देशपांडे है, बहुत खतरनाक बॉलर है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं, ये आज के लिए मास्टर पीस रहने वाला, अगर आरसीबी को अगर आज मैच जिताएगा ना तो कहीं ना कहीं आज मैक्सवेल का बल्ला चलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आखिरी मैच है, अगर आज अगर इज्जत नहीं बचाया तो फिर कब इज्जत बचाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैक्सवेल आज के मैच में तोड़ेगा नहीं, ये फोड़ेगा, और मैं तो बोलता हूँ कि भाई साहब सिंपल सी बात है, आज मेगा कॉन्टेस्ट में ना 20 टीम में कम से कम 10 टीमों में मैक्सवेल को कैप्टन बना दो, देखो क्या होता है, जब जो कि पूरा दुनिया इसको ड्रॉप भी कर देगा, जैसे कल मैं रोहित शर्मा के बारे में बताया था वैसे, बना के देखो अगर क्या होता है, एक बार देखो मेगा कॉन्टेस्ट में बना के, मैं तो बनाऊंगा, कल मैं 20 टीम बनाऊंगा, हर दिन 6 टीम 11 टीम से खेलता था ना, 20 टीम 11 टीम तो मैं बनाऊंगा अपने अकॉर्डिंग, और 9 टीम में सब में कैप्टन मैक्सवेल रहेगा, सब में 30 का एवरेज रिकॉर्ड है चेन्नई के अगेंस्ट में, और 13 मैच में 6 विकेट, इस वेन्यू पे 21 का एवरेज रिकॉर्ड है, आज मुझे लग रहा है कि ये 60 से 70 पॉइंट देने वाला, उसे प्लस ही पॉइंट देके जाएगा मैक्सवेल। महिपाल लैम्रोर को जीएल में ट्राई करना, ठीक है, एवरेज पॉइंट है, 19 का एवरेज रिकॉर्ड है, जीएल में ट्राई करना, वैसे मुझे फ्लॉप दिखाई दे रहा है। दिनेश कार्तिक की बात करते हैं, ये विकेट कीपिंग सेक्शन में मैं बताता हूँ, अगर आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करे तो मत रखना, सेकंड बैटिंग में कंफर्म रखना, वैसे मैं तो सेकंड बैटिंग मैं बोल रहा हूँ एमएस धोनी से ज़्यादा बेटर है, एमएस सेकंड बैटिंग में ना अगर आरसीबी सेकंड बैटिंग करे ना सेकंड बैटिंग तो कहीं ना कहीं एमएस धोनी सर ज़्यादा दिनेश कार्तिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट इनिंग में आप एमएस धोनी सर को रखना, ठीक है। वैसे मैं फिलहाल अपनी टीम में रखा हूँ उसको, कैप्टन नहीं विकेट कीपिंग में रखा हूँ, क्योंकि सबका सिलेक्शन दिनेश कार्तिक ही है, मेरी टीम में भी यही है, लेकिन एमएस धोनी सर आज इससे ज़्यादा पॉइंट देके जा सकता है। कैमरन ग्रीन की बात करते हैं, पिछले मैच में 32 रन, साथ में 1 विकेट, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है इसलिए हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और 40 के आसपास मुझे लग रहा है ये पॉइंट देके जाएगा। इस वेन्यू पे 11 का एवरेज रिकॉर्ड है, लेकिन 6 मैच में 2 विकेट लिया है, चेन्नई के अगेंस्ट में 3 मैच में 2 विकेट लिया है। करण शर्मा की बात करते हैं, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, 8 मैच में 12 विकेट, लेकिन चेन्नई के अगेंस्ट में देखोगे 7 मैच में सिर्फ 4 विकेट, तो इसके खाते में अगर विकेट आएगा तो 1 विकेट आएगा। लकी फर्गुसन राइट आर्म मिडल फास्ट बॉलर, इस वेन्यू पे 4 मैच 3 मैच में 4 विकेट लिया है, इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वैसे भी 2 मैचों से 2-2 विकेट लिया, मुझे लग रहा है कि आज के मैच में लकी फर्गुसन अगर ज़्यादा विकेट भी लिया तो मुश्किल से 1 विकेट लेकर देगा। मैं अब तो फ्लॉप ही बोल रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, मुझे तो फ्लॉप ही लग रहा है, ठीक है। अगर आज से भी फर्स्ट बैटिंग करा हो 250 रन बना देता है तब कहीं ना कहीं लकी फर्गुसन जो है वो विकेट लेके देगा। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, 20 मैच में 25 विकेट, लेकिन चेन्नई के अगेंस्ट में 10 मैच में 2 विकेट, रिकॉर्ड बहुत बेकार है। सिराज अभी फॉर्म में है लेकिन चेन्नई के अगेंस्ट में रिकॉर्ड बहुत ही बेकार है, इसलिए मैं अपनी टीम में नहीं रखा हूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे सिराज भी फ्लॉप ही दिखाई दे रहा है, और सब लिंक करता है विराट कोहली और फैबडू, अगर विराट कोहली फैबडू प्लेसिस और मैक्सवेल चला तो कहीं ना कहीं सिराज को भी विकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यश दयाल, ये थोड़ा सा आज के मैच में ट्रंप होगा, क्योंकि अगर देखोगे 7 मैच में 9 विकेट लिया है, चेन्नई के अगेंस्ट में इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन ये ट्रंप कार्ड प्लेयर हो सकता है, मुझे लगा कि 2 विकेट लेके देने वाला है, ठीक है। सेकंड इनिंग में ये पक्का 2 विकेट लेगा, फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट आप इसके खाते में लिख लो। और मोहम्मद सिराज के बारे में पूरी तरीके से फ्लॉप नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर पहले आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करे तो कहीं ना कहीं सिराज को 1 विकेट तो मिलेगा, लेकिन अगर पहले अगर चेन्नई बैटिंग करता है तो फिर आप रिस्क ले सकते हो। बाकी सुयास है, हिमांशु है, स्वप्निल सिंह है, जिनका रिकॉर्ड 2 मैच में 1 विकेट, हिमांशु शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सुयास की बात करते हैं, 3 मैच खेला 29 रन, 14 का एवरेज रिकॉर्ड है। राजन कुमार को मौका नहीं मिला है जबकि डोमेस्टिक लेवल में 2-2 विकेट लिया है। टॉम कोरन अगर ये प्लेयर खेलता है तो डायरेक्ट मेरे टीम में एंट्री हो जाएगा, डायरेक्ट ये खेलेगा तो कहीं ना कहीं आरसीबी फिर जीत सकता है,
अगर टॉम करन खेलता है तो आरसीबी का जीतने का चांस मैं बोल दे रहा हूँ 70% हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि क्या पता आज टॉम करन को मौका दे दे, क्योंकि इस वेन्यू पे हेड टू हेड में 4 मैच में 7 विकेट लिया है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और बैटिंग भी अच्छा करता है। ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से बैकअप देके जाएगा, दोनों ये दोनों से, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि जीएल टीम का वाइस कप्तान कैप्टन भी आपके लिए बेटर रहेगा। मनोज बनर्जी की बात करते हैं, जिनका रिकॉर्ड डोमेस्टिक लेवल में अच्छा है लेकिन यहाँ पे खेल नहीं रहा है। अलजारी जोसेफ की बात करते हैं, 2 मैच में 1 विकेट 4 मैच में 5 विकेट लिया हेड टू हेड में। अनुज रावत 45 रन बनाया था जब आरसीबी के साथ मैच था, सीएसके के साथ मैच था, याद है पहला मैच 45 रन बनाया था, तो रिकॉर्ड अच्छा है इस वेन्यू पे, 6 मैच में 88 रन 29 का, और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है, 2 मैच में 60 रन बनाए अनुज रावत। ठीक है, आकाशदीप की बात करते हैं, 1 मैच में 1 विकेट, अगर अनुज रावत खेल जाए तो रख लेना। सौरभ चौहान की बात करते हैं, डोमेस्टिक लेवल में एवरेज है मयंक डागर, 3 मैच खेला 1 विकेट। और विजय व्यास कुमार, इसके बारे में बात मैं जरूर करूंगा, क्योंकि इसको ये जब भी खेलता मैं अपनी टीम में जरूर रखता हूँ, ये पक्का विकेट लेता है। एक ही दिन तो खेला था, 11% सिलेक्शन था मेरे टीम में था, आपको बता दूँ लास्ट मैच देखोगे 2 विकेट लिया था मेरे टीम में था उस दिन, 7 मैच में 9 विकेट लिया हेड टू हेड में, इस वेन्यू पे 8 मैच में 10 विकेट लिया। ये अगर खेले, अगर आज ये खेला तो भाई सब ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, 2 विकेट इसके खाते में लिख लो, बता दे रहा हूँ 2 विकेट लिख लो और मेरे टीम में कन्फर्म रहेगा, 70% चांस है कि ये खेल सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेयर बैटल में चेन्नई की तरफ से एक ही प्लेयर बैटल है, अजिंक्य रहाणे। ग्रैंड लीग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रहाणे को करण शर्मा ने 3 बार आउट किया है, फैफ डी प्लेसिस को मोइन अली ने 2 बार आउट किया जबकि मोइन अली अवेलेबल नहीं है, विराट कोहली को रविंद्र जडेजा ने 3 बार आउट किया है, 3 बार आउट किया विराट कोहली को, परेशान किया जडेजा ने, लेकिन रन दिया है दबा के, रन दिया अच्छा खासा। ग्लेन मैक्सवेल को जडेजा ने 6 बार आउट किया है, मैक्सवेल के खिलाफ जडेजा का थोड़ा सा बैटल बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, देखो सिर्फ 70 रन दिया है, 6 बार आउट किया है, तो मैक्सवेल रविंद्र जडेजा के खिलाफ फंसते हुए दिखाई देता है। दिनेश कार्तिक को भी जडेजा ने 3 बार आउट किया, इसलिए आज रविंद्र जडेजा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मेरा प्रेडिक्शन सुन लीजिए, आज का मैच अगर देखोगे ना, चेन्नई वर्सेस आरसीबी का 50-50 कॉल है। मुझे लगा कि जो भी टॉस जीतेगा वही बैटिंग, वही आज का मैच जीतेगा, इसलिए मैं आज इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। बाकी टॉस के बाद मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको फुल स्मॉल लीग टीम भी देता हूँ। विराट कोहली 50+ रन बनाएगा, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। फैफ डी प्लेसिस आज 40+ पॉइंट देके जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल अगर आज खेला तो इंपॉर्टेंट होगा, और मैं तो बोलता हूँ मैक्सिमम टीमों में मैक्सवेल को कैप्टन बनाना। कैमरन ग्रीन 40+ पॉइंट देके जाएगा। 6 जो पॉइंट है आज के मैच में, दिनेश कार्तिक इंपॉर्टेंट रहेगा जीएल टीम में, इसको लेके चलना, 40+ पॉइंट देके जाएगा। रजत पाटीदार फर्स्ट इनिंग अगर बैटिंग किया तो अच्छा बैटिंग करके देगा, सेकंड इनिंग में ये फ्लॉप जाएगा, समझ में आ रहा। मोहम्मद सिराज आज मुझे लगा फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट लेकर देगा, सेकंड इनिंग में ये 2 विकेट लेगा सेकंड इनिंग में, तो ये फर्स्ट इनिंग उतना कारगर साबित नहीं हुआ, सेकंड इनिंग होगा। यश दयाल और विजय कुमार और लॉकी फर्गुसन, ये तीनों मिला के 4+ विकेट लेके देगा, जहां तक कि यश दयाल का ज़्यादा रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है, 10वां पॉइंट है सीएसके की तरफ से, आज ऋतुराज गायकवाड़ 40+ पॉइंट देके जाएगा, आप चाहो तो वाइस कप्तान बना सकते हो। रचिन रविंद्र आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा, ये 50+ पॉइंट देके जाएगा, इसको जीएल टीम में कैप्टन जरूर बनाना। ठीक है, एक तो रचिन रविंद्र और एक शिवम दुबे और एक मैक्सवेल, ये 3 प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट होगा, 40+ पॉइंट देके जाएगा। एमएस धोनी सर भी आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा, 30+ पॉइंट देके जाएगा। डैरी मिचेल अगर आज ओपनिंग बैटिंग किया तो इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड इनिंग में फ्लॉप होगा। शिवम दुबे ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, 40+ पॉइंट देके जाएगा। ठीक है, और तुषार देशपांडे 200+ विकेट लेके देगा। सरदुल ठाकुर सेकंड इनिंग में 200+ विकेट लेके देगा। चलिए टीम बनाते हैं, तो भाई साहब देखो मैंने एक टीम बना रखा है जिसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में दिनेश कार्तिक है, कैप्टन विराट कोहली और वाइस कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे है, फैफ डी प्लेसिस है, रजत पाटीदार है, यहाँ पे कैमरन गिन है, रचिन रविंद्र है, जडेजा है और तुषार देशपांडे। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं सीएसके का 5 प्लेयर और बैंगलोर का 5 प्लेयर रखा हूँ, यहाँ पे 1 प्लेयर मिसिंग है। आप बोलोगे सर आज फुल टीम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है फुल टीम, क्योंकि भाई आज का जो मैच है ना 50-50 कॉल है, जो टॉस जीतेगा मुझे लग रहा है कि आज के मैच में वही मैच भी जीत सकता है। ठीक है, तो और वैसे मैं चेन्नई का फैन हूँ तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूंगा कि अब क्या कहानी है, लेकिन जो फाइनल टीम है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, वरना सर्च भी कर सकते हो @kumar508tfc, ये टेलीग्राम ऐप पे जाना, जाके सर्च करना कुमार 508tfc, 4 लाख का टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं, देखो मैंने कैप्टन वाइस वैसे सेफ बनाया, विराट कोहली वाइस कैप्टन, गायकवाड़ को बनाया हूँ, लेकिन पता है आज के मैच में जो रिस्की कैप्टन जो सबसे बेस्ट होगा ना, अगर मैक्सवेल खिला, ग्लेन मैक्सवेल खिला, ग्लेन मैक्सवेल, तो मेरे टीम में ग्लेन मैक्सवेल रहेगा, 11वां प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल रहेगा। अगर थिक्साना का रिकॉर्ड अच्छा है, आपको बता दूँ थिक्साना का भी रिकॉर्ड अच्छा है। बाकी देखो आज के मैच में शिवम दुबे ठीक करेगा, अच्छा बैटिंग करेगा, और फैफ डु प्लेसिस अच्छा बैटिंग करेगा, तो कहीं ना कहीं विराट और विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ को पूरे दुनिया कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक कर दोगे, फैफ को कैप्टन और शिवम दुबे को वाइस कैप्टन, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या तो जडेजा को कैप्टन और वाइस कैप्टन मैक्सवेल को। और आज ग्रैंड लीग टीम में रचिन रविंद्र को जरूर कैप्टन बनाना, मैं बता दे रहा हूँ, रचिन रविंद्र आज आपको 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा। और हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक चेंजेस करूँ, ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन ना बना के मैं आज रचिन रविंद्र को वाइस कैप्टन बना सकता हूँ, बस ये मैं एक चेंजेस कर सकता हूँ। और 11वां जो प्लेयर है, या तो थिक्साना होगा मेरी टीम में, या तो मैक्सवेल होगा हमारी टीम में, ठीक है, मैक्सवेल या तो डेरी मिचेल, अगर पहले चेन्नई बैटिंग करेगा तो डेरी मिचेल होगा, या तो मैक्सवेल या तो थिक्साना, ये तीनों में से किसी को भी मैं अपनी टीम में ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं 11वां प्लेयर नहीं दिया हूँ। वाइस कप्तान गायकवाड़ है, लेकिन वाइस कप्तान रचिन रविंद्र मुझे सबसे सेफ लग रहा है, मैक्सवेल खेला तो मैक्सवेल सेफ रहेगा, ठीक है। और एक ग्रैंड लीग टीम भी बना के दिखाता हूँ, लेकिन भाई साहब आपको बता दूँ जो फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूँगा, क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। बाकी एक ग्रैंड लीग टीम बना के दिखाता हूँ, ग्रैंड लीग टीम में हम क्या करेंगे, सिंपल बताता हूँ, सिंपल ग्रैंड लीग टीम में हम क्या करेंगे। ग्रैंड लीग टीम में कहीं ना कहीं विराट कोहली का जो डर है ना, वो है जडेजा से, ठीक है, क्योंकि कई बार आउट किया है। तो हम ग्रैंड लीग टीम में एक काम करेंगे, एक टीम में विराट कोहली को फ्लॉप करेंगे, ठीक है, और हम अपनी टीम में कैप्टन जो बनाएंगे वो बनाएंगे रचिन रविंद्र को, वाइस कप्तान जो बनाएंगे वो हम अपनी टीम में बनाएंगे शिवम दुबे को। अब विराट कोहली फ्लॉप है तो उसकी जगह हम किसको अपनी टीम में लेके चलेंगे, तो भाई साहब देखो यहाँ पे अगर देखोगे बहुत सारा, एक तो मैक्सवेल को लेके चलेंगे, अगर मैक्सवेल खेला तो मैक्सवेल रहेगा मेरी टीम में, और थिक्साना को लेके चलेंगे, थिक्साना, ठीक है, ये प्लेयर को लेके चलेंगे, ये टीम रहेगा, ये ग्रैंड लीग टीम रहेगा। बाकी एक ग्रैंड लीग टीम मैं टेलीग्राम पे दूंगा, और एक स्मॉल लीग टीम भी टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखो पूरा दुनिया का कैप्टन विराट और गायकवाड़ है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि भाई साहब आज आप थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक यूज करोगे फायदा होगा, आज फैब और रचिन रविंद्र पे कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्क ले सकते हो, और शिवम दुबे पे, क्योंकि ये तीनों प्लेयर मुझे लग रहा है कि आज के मैच में अच्छा बैटिंग करेगा, और मैक्सवेल खेला तो वो तो खैर कन्फर्म अच्छा बैटिंग करेगा। बाकी देखो अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज एक लाइक करना, आज का लाइक का टारगेट है 50,000। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।